हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्र हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं इस सीआरटी टीवी को। तो देखिए दोस्तों, इस सीआरटी टीवी में प्रॉब्लम है। यहां पर आप देख सकते हो, नीचे यहां से ऐसे इस तरह से फोल्ड हुआ है। इसको दोस्तों आप सर्विस मोड से अगर बढ़ाते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो ये नीचे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से इसके जो भी लेटर्स आ रहे हैं वो, या न्यूज़ वगैरह नीचे से रनिंग होता है, वो सब यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। तो इसमें ये फॉल्ट है दोस्तों, और ये जो दिख रहा है दोस्तों, यहाँ नीचे इस तरह से फोल्ड हुआ है, और यहाँ पर जो भी पिक्चर आता है वो उल्टा दिखता है। नीचे यहाँ पर इतना सा पट्टी दिख रहा है। तो ये सर्विस मोड से सॉल्व नहीं होगा दोस्तों, इसमें फॉल्ट रहता है। इसका जो मेन किट है, पीसीबी है, उसमें ये फॉल्ट रहता है। तो इस वीडियो में हम इस फॉल्ट को रिपेयर करेंगे और जानेंगे किस तरह से इसको आप रिपेयर कर सकते हो। तो अगर आप इसको ध्यान से रिपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें आप दोस्तों एक बात का आप ध्यान नहीं रखते हो, वो क्या बात है मैं आपको आगे बताऊँगा। तो ये फॉल्ट रिपेयर करने में दिक्कत होता है। है तो छोटा सा फॉल्ट, लेकिन कुछ दिमाग घुमा के रख देता है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से इस टीवी को हम रिपेयर करते हैं। तो टीवी को हमने खोल के ही रखा है, क्योंकि ये इसमें अभी हम इसमें नया किट लगा रहे हैं, और ये जो नया किट है दोस्तों, ये इस तरह से इसमें फॉल्ट आ रहा है। तो ये किट अभी यूज़ भी नहीं किया है, इसमें फॉल्ट आने लगा है। लेकिन कई तरह के फॉल्ट है दोस्तों, नए किट में भी आते हैं, चाइनीज़ किट होता है। तो इसका जो एसटीआर है दोस्तों, बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर एसटीआर 1265 लगा हुआ है। तो ये बहुत ही पावरफुल एसटीआर है दोस्तों, इसका पावर सप्लाई में बहुत अच्छा चलता है, इसलिए इस बोर्ड को हम लगा रहे हैं। लेकिन इसमें इस तरह से फॉल्ट आ रहा है। तो ये फॉल्ट किस चीज़ का है, उसको जानने के लिए दोस्तों हमें इस टीवी के किट के सभी बेसिक वोल्टेज को चेक करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये 110 का वोल्टेज है, यहाँ पर वोल्टेज हमें मिल रहा है 112, तो ये वोल्टेज भी सही है। और इसके आगे दोस्तों, यहाँ पर हम वर्टिकल सेक्शन की सप्लाई का वोल्टेज चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 26 वोल्ट, ये भी वोल्टेज हमें सही मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर 12 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पर 11 वोल्ट मिल रहा है, तो ये चल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 10 से 12 वोल्ट तक मिलता है, तो ये चल जाता है। और साउंड सेक्शन का वोल्टेज भी यहाँ पर हमें मिल रहा है दोस्तों, और 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज भी हमें सही मिल रहा है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम चेक करेंगे वीडियो सेक्शन सीआरटी बेस का वोल्टेज, यहाँ पर भी 200 वोल्ट के करीब मिल रहा है, तो 180 से 200 वोल्ट तक मिल जाते हैं, तो भी ये वोल्टेज बिल्कुल सही है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे, अगर वोल्टेज कोई दिक्कत होता है, ज़्यादा दिक्कत, तो उसको आप सही कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्टिकल सेक्शन में ये कैपेसिटर लगा होता है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये है इस कैपेसिटर, तो ये कहाँ पर लगा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो डायग्राम है यहाँ पर लगता है 1000 माइक्रोफेरेट का। तो ये देखिए, इसका प्लस यहाँ पर आउटपुट का जो योक कॉइल है, वहाँ पर एक कनेक्ट रहता है, ये देखिए ये वाला है, और इसका माइनस यहाँ पर पिन नंबर 1 से इस तरह से जुड़ा हुआ है रजिस्टर के ज़रिए। तो आप उसको बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा रहता है। तो देखिए, यहाँ पर इस कैपेसिटर को हमें चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको हम आगे आपको बताएंगे। तो ये कैपेसिटर देखिए, हम
ने इसको बाहर निकाल लिया है, और इसका नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये कैपेसिटर है, इसका नंबर है 1000 UF 35 वोल्ट। तो इसको दोस्तों चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वीक हो चुका है या फिर ये इसकी वैल्यू कम हो चुका है, तो इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देखते हैं फॉल्ट हमारा सही होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर हम कैल्ट्रॉन का लगा रहे हैं 1000 माइक्रोफेरेड और 35 वोल्ट का, तो सेम नंबर का हम यहाँ पर लगा रहे हैं। देखते हैं हमारा फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है। इस फॉल्ट में दोस्तों इस कैपेसिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, और इसका जो वैल्यू है इस पे का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, तो आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहले ये हमारा फॉल्ट सही होता है कि नहीं होता है, या कहीं और इसका फॉल्ट है, या हम गलत जा रहे हैं, गलत कंपोनेंट पे जा रहे हैं। तो इसको लगाने के बाद हम एक बार जब चेक करेंगे तब हमें पता चलेगा। जल्दी से इसको हम सोल्डर कर देते हैं और इसकी पिंस को हम काट के इसको साफ़ कर देंगे, और टीवी को हम ऑन करके देखेंगे फॉल्ट हमारा क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इस तरह से हमने इसको लगा दिया है, जहाँ पर जो भी नंबर लगा हुआ था, यहाँ पर जितने का नंबर था उतना ही नंबर लगा दिया। जब कोई भी टेक्नीशियन इस फॉल्ट को या इस कैपेसिटर को चेंज करेगा तो सेम नंबर को ही चेंज करेगा, और हमने भी किया, और लेकिन हमारा फॉल्ट सही नहीं हुआ। आप देख सकते हो फॉल्ट वैसा का वैसा है, तो हम गलत कंपोनेंट को चेंज कर रहे हैं या फॉल्ट हमारा कहीं और है, तो क्या है आखिर? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम गलत कंपोनेंट चेंज नहीं कर रहे हैं, कंपोनेंट हम सही चेंज कर रहे हैं, लेकिन फॉल्ट कहीं और भी नहीं है, फॉल्ट ये इसी का है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, एक हमने 1000 माइक्रोफेरेड लगाया हुआ है और दूसरा कैपेसिटर भी यहाँ पर इसी के ऊपर पैरेलल में, इसको हम सोल्डर कर देंगे, फिर इसका जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगा, 1000 का 2000 हो जाएगा, 2000 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, और वोल्टेज तो सेम ही रहेंगे 35 वोल्ट। तो उसके बाद हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है ये भी हम देख लेते हैं। जब हम एक लगा रहे हैं 1000 माइक्रोफेरेड, तो फॉल्ट हमारा सही नहीं हो रहा है, और इसी के ऊपर हमने यही पुराना जो कैपेसिटर, मतलब है तो नया ही, ये किट बिल्कुल नया है, लेकिन यहाँ पर 1000 माइक्रोफेरेड का जो पहले लगा हुआ था उसी को हम इसी के ऊपर पैरेलल में लगा देते हैं। अब टीवी ऑन करके देखते हैं इसमें हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो टीवी को हमने ऑन कर दिया है, और देखिए टीवी ऑन हो रहा है, और आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर फॉल्ट क्लियर हो चुका है। फॉल्ट देखिए, यहाँ पे कोई भी नीचे से फोल्ड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों फॉल्ट सही हो गया। लेकिन दोस्तों ये फॉल्ट क्यों सही हुआ? जब कोई भी नया टेक्नीशियन इसको रिपेयर करेगा या इसको चेंज करने की कोशिश करेगा तो सेम नंबर का वहाँ पर लगाएगा, और फॉल्ट सही नहीं होगा तो वो कहीं और ढूंढता रह जाएगा, लेकिन फॉल्ट उसका सही नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस फॉल्ट में जब कैपेसिटर को चेंज करने के बाद अगर फॉल्ट आपका सही नहीं होता है तो वहाँ पर आप इसका वैल्यू को बढ़ा दें, इसका जो माइक्रोफेरेड है उसको बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ पर दो, यहाँ पर 1000 माइक्रोफेरेड के लग गए हैं, तो 2000 हो गया है वैल्यू। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दो कैपेसिटर लग नहीं सकते क्योंकि जगह नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक ही कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं ये पहले देख लेते हैं। 10 वोल्ट आ रहे हैं इसके इस कैपेसिटर पे, तो हम यहाँ पर 10 वोल्ट से ऊपर जो भी वोल्टेज का मिलेगा उसका लगाएंगे, लेकिन 2000 माइक्रोफेरेड या उसके ऊपर का मिलना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर 2200 माइक्रोफेरेड का
और 25 वोल्ट का सप्लाई इसमें लिखा हुआ है, तो इसको लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 10 वोल्ट सप्लाई अभी आ रहा है। तो हम यहाँ पर 2200 माइक्रोफेरेड और 25 वोल्ट का इस कैपेसिटर को लगा देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिज़ल्ट इसका सही होता है कि नहीं होता है, या भी कुछ फॉल्ट रह जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, या इस तरह से आप काम कर सकते हैं। कैपेसिटर लगाने के बाद दोस्तों टीवी हम एक बार फिर से ऑन करके देख लेते हैं, टीवी हमारा सही होता है कि नहीं होता है। तो देखिए अब तो बिल्कुल सही हो गया। तो इसी तरह से दोस्तों टीवी को आप रिपेयर कर सकते हैं। इस फॉल्ट को खासकर आप जब भी वहाँ पर जो भी कैपेसिटर लगा रहेगा उसका सेम नंबर आप लगा सकते हैं। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका जस्ट डबल लगा सकते हैं, या दो भी आप कैपेसिटर वहाँ पर लगा सकते हैं अगर आपके पास वहाँ पर लगाने के लिए जगह हो। अगर नहीं हो तो दो कैपेसिटर को इसी तरह से लगा सकते हैं, या कुछ भी जुगाड़ करके यहाँ पर उसका वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। पैरेलल में दो कैपेसिटर लगा दीजिए, या एक ही यहाँ पर लगा दीजिए 2200 माइक्रोफेरेट का आप लगा सकते हैं, तो आपका टीवी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा फॉल्ट सही हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे नए हो या पुराने हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह के आपको लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन और सीखने वाली चीज़ों से भरी हुई वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।